मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से समीक्षा बैठक की गई और फैसला किया गया कि मध्य प्रदेश के खाली पड़े नगर निगम में जल्द ही 68 सीएमओ के पदों को भरा जाएगा, नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही आने वाले समय में आउटसोर्स को खत्म कर परमानेंट कर्मचारियों की व्यवस्था भी होगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने खबर फास से खास बातचीत की। सरकार में राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया जी हमारे साथ हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट चैनल में आपका। जी धन्यवाद भाई साहब। विकास यात्रा निकल रही है आपके क्षेत्र में और कहीं ना कहीं विकास की बात जो है वो जन जन तक लेकर जा रही है। ये केवल विकास यात्रा नहीं है, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर और मध्य प्रदेश की जनता की तकदीर बदलने की यात्रा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जो मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चला, उनके हितग्राहियों को लाभ देना और शासन की योजनाओं से उनको जोड़ने के साथ साथ जब विकास यात्रा के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधिगण क्षेत्र में जाएंगे, जो समस्याएं एकत्रित होगी और जो हितग्राही, क्योंकि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2024 तक पूरे मध्य प्रदेश में हितग्राही योजनाओं का 100% सैचुरेशन, तो उस लक्ष्य की हम तरफ बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कोई भी एक हितग्राही ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो जिसको योजनाओं का लाभ ना मिले। भाई साहब क्षेत्र की आपकी अगर बात करें तो विकास बहुत होना है और कहीं ना कहीं वादे भी आपने जो पूरे किए हैं, जो चीज़ें रह गई हैं वो कब तक अनुमान लगाए हो जाएगी? बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम चल रहा है, बजट में भी उन योजनाओं को शुरू शामिल किया जा रहा है और मार्च के बाद अप्रैल तक हर योजना को धरातल पर लाने का सरकार का उद्देश्य है और पूरी मेहनत के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल और अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। चूंकि नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका के आप मंत्री हैं, डेली वेजेस वालों को लेकर बार बार आवाजें उठती है कि उनकी सैलरीज बढ़ाई जाए, उनको परमानेंट किया जाए, इस तरीके की जो संभावना है कहाँ कब तक पूरी हो सकती है? खासतौर पर बजट का वर्ष है, बजट आने वाला है। पहले आपने मेरे विभाग की जो बात की, मैं कहना चाहता हूँ आज की कैबिनेट में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है और वो ये है कि जो 23,000 एकड़ जमीन शहरी क्षेत्र में माफियाओं से मुक्त कराई है, उस जमीन पे गरीब और भूमिहीन लोगों को हम आवास बना करके देंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो प्राइवेट डेवलपर से भी हम बात करेंगे, पर पहला जो लक्ष्य है वो ये है कि शहरी क्षेत्र में कोई भी आवास से बिना ना रहे। दूसरी जो बात आपने कही है तो निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये सोच है कि आउटसोर्सिंग को हम धीरे धीरे ख़त्म करेंगे संविदा के माध्यम से और सीधी भर्ती के माध्यम से। खास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल ही मेरे विभाग की समीक्षा बैठक थी अर्बन डेवलपमेंट की, लगभग 68 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की कमी है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 2 महीने के अंदर वो सारी जगह भरी जाए, तो इस तरह से पूरी सैचुरेशन रहे, कोई कमी ना रहे। हर कैबिनेट में कोई ना कोई ऐसा प्रस्ताव आता है जिसमें हम भर्ती करते हैं और लगभग जो 2 लाख लोगों को रोजगार देने का जो लक्ष्य है उस योजनाओं को भी हम पूरा करेंगे। हर कैबिनेट में जो है वो बातें होती हैं, कर की भी पूरी जाती है और साथ ही अब सबसे बड़ी बात ये कि किसी को भी मकान के बगैर अब ये सरकार नहीं रहने देगी और आउटसोर्स भी जब तकरीबन धीरे धीरे वो खत्म करेगी। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, खबर फास्ट।